Hey everyone, welcome to Shom's IAS. I am Shivangi Sharma and here I am with 5th chapter of our class 11th history, which is changing cultural traditions. So देखो नाम इतना सिंपल है कि एक इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगा नाम से कि हमने चैप्टर में हम पढ़ने के वाले हैं चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस, मतलब जो भी अभी तक पुराने पुराने तरीके थे जिससे हम मतलब संस्कृति निभाने के, मतलब देखो व्हाट इज कल्चर, कल्चर इज संस्कृति राइट, जो भी आपकी चीज़ें जो आप शुरू से करते आ रहे हो कि आपका कैसा कल्चर है जगह का, एंड ट्रेडिशन इज आपकी परंपरा है ना, मतलब आप किसी भी कल्चर को किस तरीके से फॉलो करते आ रहे हो अभी तक, सो उस कल्चर में और उस ट्रेडिशन में क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है. सो वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है. सो 14th सेंचुरी से 17th सेंचुरी की एंड तक, ठीक है, 14th सेंचुरी की शुरुआत और 17th सेंचुरी के एंड तक यूरोप में टाउन्स बहुत ही वास्ट तरीके से ग्रो हुए, ठीक है. जो अर्बन कल्चर था वो डेवलप होना शुरू हो गया और बहुत जल्दी डेवलप हो भी गया, ठीक है. सो जो टाउन के लोग थे यानी कि जो सिटी के लोग थे वो खुद को रूरल पीपल से ज़्यादा सिविलाइज उस टाइम पे मानने, मतलब ऐसे बोलने लगे थे कि जो रूरल पीपल है यानी कि जो गांव के लोग हैं उससे हम जो है मतलब अच्छे हैं और ज़्यादा सिविलाइज हैं, ठीक है. टाउन्स पर्टिकुलर ऐसी जगहें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए थे, जैसे कि फ्लोरेंस, वेनिस और रोम. ये तीन जगह काफ़ी फेमस हो गई थी और सेंटर बने किसका, आर्ट और लर्निंग का, ठीक है. सो यहाँ पे एक और चीज़ है, इस टाइम पे जो आर्टिस्ट हैं जो राइटर्स हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा मतलब बोल सकते कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए थे और जो रिच अरिस्टोक्रेट्स थे वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा इनको पैटर्नाइज कर रहे थे उस टाइम पे, ठीक है. प्रिंटिंग का इन्वेंशन हुआ, ठीक है, प्रिंटिंग का इन्वेंशन जब हुआ इस टाइम पे सो लोगों ने बुक्स मतलब काफ़ी ज़्यादा इजीली जो है बुक्स वो अवेलेबल हो रही थी हर एक रीजन में, ठीक है. सो रिलीजन, अब रिलीजन एक ऐसी चीज़ बन गई थी जो कोई भी पर्टिकुलर कोई भी इंडिविजुअल अब खुद से चूज़ कर सकता है, ठीक है. मतलब जैसे हमने पहले पढ़ा कि जो मतलब पुराने चैप्टर्स में कि जो क्लर्जी हुआ करते थे वो ना बहुत ही ज़्यादा मतलब उनके पास पॉलिटिकल पावर हुआ करती थी और जो उनका डोमिनेशन जो है काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था उस टाइम पर, राइट. सो ये वाला जो टाइम था इस टाइम पर साइंटिस्ट ने जो है वो क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया था. साइंटिस्ट अब जिन्होंने सोलर सिस्टम और नई जियोग्राफिकल नॉलेज पढ़नी शुरू करी, ठीक है. सो उस टाइम पे लोगों ने इनके खिलाफ भी जो है मतलब क्वेश्चन उठाने शुरू करे कि तुम ये जो भी बोलते हो इसका मतलब एक प्रूफ मानने लग गए थे उस टाइम पे, ठीक है. सो ऐसे ऐसे चेंजेस थे. सो चैप्टर शुरू करने से पहले हम सोर्स पढ़ लेते हैं कि सोर्स आए कहाँ से, ये चीज़ें हमें पता कहाँ से चली, ठीक है. देखो यूरोपियन हिस्ट्री की ना एक बहुत ही वास्ट अमाउंट में जो मटीरियल है स्पेशली ऑफ द 14th सेंचुरी, अगर हम 14th सेंचुरी की बात करें वो भी यूरोप में, सो हमारे पास ना बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है मटेरियल का, जैसे जैसे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, फिर हमारे पास प्रिंटेड बुक्स है, जो बुक्स प्रिंट हुई उस टाइम पे, बिकॉज उस टाइम पे प्रिंटिंग जो है वो मतलब बोल सकते इंट्रोड्यूस हो गई थी, ठीक है. उस टाइम पे पेंटिंग्स भी बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस हो रही थी और उसके बाद आते हैं स्कल्पचर्स. स्कल्पचर्स के अलावा बिल्डिंग है, बिल्डिंग में क्या क्या चीज़ें हैं वो भी काफ़ी चीज़ें दिखा रही थी, ठीक है, और टेक्सटाइल्स, और इनमें से काफ़ियों को तो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिजर्व करके रखा है. सो 19th सेंचुरी में हिस्टोरियंस ने एक टर्म यूज़ करनी शुरू करी जिस जो टर्म थी रिनेसेंस, ठीक है. सो रिनेसेंस का मतलब होता था रीबर्थ, बेसिकली रिनेसेंस का मतलब होता था किसी भी चीज़ को जब आप मतलब फिर से शुरू करते हैं, आप बोल सकते हैं जो चीज़ ख़त्म हो चुकी थी और उसको फिर से शुरू करना, डैट इज़ रिनेसेंस और रीबर्थ, ठीक है. सो उस टाइम पे जो कल्चरल चेंजेस आ रहे थे उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने इस वर्ड का यूज़ करा, ठीक है. जो हिस्टोरियंस थे उनमें से मैक्स मतलब कुछ ऐसे थे कि जो काफ़ी ज़्यादा एम्फसाइज हुए इस टाइम पे, जैसे कि एक स्विस स्कॉलर जिनका नाम था जैकोब बर्कहार्ट, ठीक है. सो ये कहाँ से पढ़े, ये पढ़े यूनिवर्सिटी ऑफ बेसिल इन स्विट्जरलैंड, ठीक है. सो इनके जो गुरु थे, इनके जो टीचर थे उनका नाम था लियोपोल्ड वॉन रैंक, ठीक है. सो इनके जो रैंक थे यानी कि जो टीचर थे उन्होंने जैकोब को बोला कि हम हिस्टोरियंस का काम सिर्फ इतना होता है कि हम सिटीज़ के बारे में या फिर स्टेट्स के बारे में लिखे, ठीक है, उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना होता है. बट जैकोब को ये बात बिल्कुल भी नहीं पसंद आई और उन्होंने बोला कि हम
मतलब एक लिमिट क्यों सेट कर रहे हैं। मैं हिस्टोरियंस को इनसे भी ज़्यादा बनाना चाहता हूँ, बिकॉज हिस्ट्री में और भी बहुत कुछ है पॉलिटिक्स और स्टेट्स के अलावा। ठीक है, सो 1860 में उन्होंने एक बुक लिखी, द सिविलाइजेशन ऑफ द रिनेसेंस इन इटली। ठीक है, सो उन्होंने इस बुक में जो रीडर्स थे, ठीक है, उनका अटेंशन इसीलिए ज़्यादा इस बुक ने खींचा, बिकॉज उसमें लिटरेचर, आर्किटेक्चर और पेंटिंग जैसी चीज़ों को कुछ काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्क्राइब किया गया था। और जब भी ऐसी चीज़ें डिस्क्राइब की जाती हैं तो ऑफकोर्स लोगों का जो है वो अटेंशन इस अपनी तरफ आ जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे ह्यूमनिस्ट कल्चर को जो है वो दिखाया गया, कैसे इटालियन टाउन में ह्यूमनिज्म शुरू हुआ। ठीक है, सो ये कल्चर उन्होंने लिखा कि इसमें जो है नया बिलीफ आएगा। ठीक है, और उन्होंने बोला कि जो मतलब वो कॉन्ट्रास्ट नहीं बनेंगे बट वो मॉडर्न बनेंगे। ठीक है, सो दिस वॉज वॉट द सोर्सेज। सो अब हम पढ़ लेते हैं टॉपिक्स के बारे में। सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज द रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटीज। देखो, जब वेस्टर्न रोमन एम्पायर गिरा तब काफ़ी मतलब इटली के काफ़ी टाउन, काफ़ी पॉलिटिकल टाउन थे जो कि पॉलिटिकल और कल्चरल सेंटर्स हुआ करते थे, वो भी बर्बाद हो गए। ठीक है, एक यूनिफाइड गवर्नमेंट नहीं थी। ठीक है, सो उस टाइम मतलब देखो जो रोम के जो पोप थे ना उनकी पहले काफ़ी ज़्यादा पावर हुआ करती थी। ठीक है, बट जब एक यूनिफाइड गवर्नमेंट ली तब इन्होंने खुद ही को जो है सुवेरियन बना दिया। मतलब उन्होंने बोला कि अब मैं ही हूँ जो हूँ और जो वो बोलेंगे वही सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, बट उस टाइम पे ना उनके ना इतनी कुछ खास पॉलिटिकल फिगर, इतनी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फिगर जो है वो उनके अपनी स्टेट में भी नहीं रही थी, जो ये दूसरों की जगह पर आके जो ऐसे राज जमा रहे थे। ठीक है, भाई जो वेस्टर्न यूरोप थे वो रीशेप किया जा रहा था फ्यूडल बॉन्ड से। ठीक है, और वो भी लैटिन चर्च के अंदर। जो ईस्टर्न यूरोप है वहाँ पर जो है उस टाइम पे बाइजेंटाइन एम्पायर आ गया और जो इस्लाम है वो काफ़ी कॉमन सिविलाइजेशन बन गया। ठीक है, मतलब इस्लाम भी काफ़ी अच्छा जो उस टाइम पे ग्रो कर गया था, स्पेशली वेस्ट की तरफ में। सो इटली जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और फ्रेगमेंटेड हो गई थी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पीसीज में जो इटली आप बोल सकते हो डिवाइड कर दी गई थी उस टाइम पे। ठीक है, हाउएवर काफ़ी डेवलपमेंट्स हुए जिसकी वजह से इटालियन कल्चर जो है वो रिवाइवल हो गया, मतलब रिवाइव जो है वो हो गया। रिवाइव का क्या मतलब है? रिवाइव मतलब जब कोई चीज़ बिल्कुल ही ख़त्म होने वाली होती है, मतलब बिल्कुल ही जब बर्बाद होने वाली होती है, जब थोड़ी सी जो है वो बचती है उस टाइम भी जब हम उसको फिर से रिवाइव कर लेते हैं, यानी कि फिर से जो है उसको नॉर्मल कर देते हैं, सो दैट इज़ रिवाइवल। ठीक है, सो ट्रेड जब एक्सपेंड हुआ बाइजेंटाइन एम्पायर से इस्लामिक कंट्री के साथ, तो जो पोर्ट्स थे इटालियन कोस्ट के वो भी रिवाइव हो गए। ठीक है, 12th सेंचुरी में जो मंगोल्स थे उन्होंने चाइना के साथ ट्रेड जो है वो बढ़ा दिया था सिल्क रूट में, वो तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था। ठीक है, तो सिल्क रूट जो है वो खुल गए थे बहुत सारे। सो जो ट्रेड था वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ वो भी बढ़ गया। ठीक है, सो जो इटालियन टाउन्स थे उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा इन सभी में। ठीक है, सेंट्रल रोल, वो बेसिकली सेंटर वो सारे बन गए थे। और इनमें से जो दो थे तो वहाँ पे बहुत, बट दो जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है डैट आर फ्लोरेंस एंड विनीस। ठीक है, ये ना रिपब्लिक्स थे। सो रिपब्लिक्स क्या होते हैं? रिपब्लिक्स जहाँ पे जो लीडर है वो सिटीजन चूज़ करते हैं। ठीक है, खुद चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उनमें से काफ़ी ऐसे थे जो कि अभी भी राजा या राजकुमार जो है उन पर रूल किया करते थे। ठीक है, ऐसी जो काफ़ी वाइब्रेंट सिटी है डैट वॉज द सिटी ऑफ वेनिस। ठीक है, और दूसरी थी जिनोवा। सो जो डिफरेंट मतलब यूरोप के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में ना क्लर्जी का उतना पॉलिटिकल डोमेन जो है वो रहा नहीं था, ना वो उतने पावरफुल रहे थे जितने फ्यूडल लॉर्ड, मतलब जितने वो पहले हुआ करते थे। बेसिकली जो रिच मर्चेंट्स थे और जो बैंकर्स थे वो बहुत ही अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे थे, जैसे कि हमने पहले देखा कि पुराने चैप्टर्स में कि कहीं कहीं की जो नोबेलिटी थी और जो क्लर्जी थी ना वो बहुत ही ज़्यादा बुरे थे, बस वो एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्ट कर रहे थे इटली में। बट कहीं ना कहीं इटली में, मतलब सॉरी नॉट इटली में, यूरोप में, सो यूरोप में कुछ जगहें ऐसी थी जहाँ पे चीज़ें बिल्कुल अपोजिट थी, जहाँ पे जो भी अमीर लोग थे, जो भी नोबिलिटी थी और जो भी क्लर्जी थी वो उन लोगों के लिए अपना पैसा जो है मतलब आप बोल सकते इन्वेस्ट किया करती थी ताकि उनकी जो सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो। ठीक है, सो कहीं कहीं पे जो है ऐसे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी इनके थे। ठीक है, कुछ कुछ जगहों पे, बट कुछ कुछ जगहों पे जो चीज़ें बिल्कुल ही अपोजिट थी जो हमने पहले पढ़ी, राइट। सो ये जो टाउन्स थे ना इनको मिलिट्री डेस्पोट्स भी रूल किया करते थे। ठीक है,
सो बट जो प्राइड था ना टाउन्स पीपल का, वो सिटीजन्स की वजह से कभी भी नहीं कमज़ोर हुआ. बिकॉज देखो, कोई भी जगह हो, कोई भी विलेज हो, कोई भी सिटी हो, वो ना उसकी उसकी जो सिटीजन्स है उसकी वजह से जानी जाती है. सो वहाँ के जो सिटीजन्स है वो इतने अच्छे थे कि इस चीज़ के लिए कभी भी कुछ भी लड़ाई नहीं हुई आगे जाके. ठीक है, सो हम देख लेते हैं यूनिवर्सिटीज़ एंड ह्यूमनिज्म. सो जो सबसे अर्लीस्ट यूनिवर्सिटीज़ थी यूरोप में, वो इटालियन टाउन्स में ही सेटअप करी गई थी. ठीक है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ पदुआ एंड यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोंगना. ठीक है, ये ना लीगल सिटी, लीगल जो स्टडीज है वहाँ का सेंटर बन गया 11th सेंचुरी में. और एक और बात, उस टाइम पे जो कॉमर्स है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीफ एक्टिविटी बन गई थी सिटी में, जिसकी वजह से लॉयर्स और जो नोटरीज हैं, ठीक है, मतलब नोटरीज आप बोल सकते हो, वो लोग जो कि ना रिकॉर्ड कीपर होते हैं और सोलिकेटर भी होते हैं. ठीक है, सो बेसिकली देखो, क्योंकि उस जगह पे ट्रेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, सो दैट इज़ द रीज़न कि अब लोगों को ना ये जानने का, मतलब कॉमर्स क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था, तो लोग ना अब अंदर से ये जानना चाह रहे थे कि उनके क्या राइट्स है, क्या लॉस है, क्या चीज़ें गलत है, क्या चीज़ें ठीक है. सो उस टाइम पे जो लॉयर्स है उनकी जो है बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई, जिसकी वजह से अब जो लोग हैं वो लॉ ज़्यादा पढ़ रहे थे उस टाइम पे. ठीक है, सो लॉ जो है वो काफ़ी पॉपुलर सब्जेक्ट बन चुका था स्टडी का. ठीक है, सो जो लॉ था ना वो अर्लियर रोमन कल्चर के कंटेस्ट में ही पढ़ाया जाता था. अभी भी जैसे जो फ्रांसिस्को पैट्राक थे, ठीक है, 1304 से 1778 तक, वो ना इस चेंज के रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट बने, मतलब उन्होंने रिप्रेजेंट करा जब ये लॉ वगैरह जो है इसकी पढ़ाई जो है ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्व हो रही थी. ठीक है, सो जो पैट्राक थे उनके अकॉर्डिंग डिस्टिंक्टिव सिविलाइजेशन ना, वो अगर हमें समझनी है, अगर हमें बेसिकली ये समझना है कि पुराने टाइम पे चीज़ें क्या थी और हमें वो सिविलाइजेशन पढ़नी है, वो अंडर चीज़ें समझनी है, सो उसके लिए जो भी एंशियंट ग्रीक्स और जो रोमन्स थे उनको हमें पढ़ना चाहिए. जो भी चीज़ें उन्होंने लिखी, जो चीज़ें वो बोल कर गए, वो चीज़ें जो है हमें पढ़नी चाहिए. बिकॉज क्योंकि उनकी जो बुक्स लिखी हुई है ना, उधर सब कुछ वेरी क्लियरली होगा. ठीक है, जो हम समझना चाहते हैं वो वहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से जो है वो चीज़ होगी. ठीक है, सो ये जो एजुकेशनल प्रोग्राम था इसकी वजह से अब जो रिलीजियस टीचिंग है ना, देखो एजुकेशन प्रोग्राम ये अप्लाई करता था कि काफ़ी जो तो चीज़ें वो सिर्फ रिलीजियस टीचिंग ही नहीं दे सकती है. देखो रिलीजियस टीचिंग भी इम्पोर्टेंट है, बट इसके अलावा ना और चीज़ें भी हैं. ठीक है, सो जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने 19th सेंचुरी में ह्यूमैनिज्म बनाया. ठीक है, सो अर्ली 15th सेंचुरी में जो वर्ड है ह्यूमैनिस्ट, ठीक है, वर्ड ह्यूमैनिस्ट को यूज़ किया जाता था उन लोगों के लिए जिनको काफ़ी सारी चीज़ें आती थी, जैसे ग्रामर, किसी भी लैंग्वेज का ग्रामर. ठीक है, रिटोरिक, पोइट्री, हिस्ट्री एंड मॉरल फिलॉसफी. ठीक है, सो जिनको भी ये चीज़ें आया करती थी उनको जो है उस टाइम पे ह्यूमनिस्ट बोला जाता था. जो लैटिन वर्ड था ह्यूमैनिटास, जो कि वर्ड ह्यूमैनिटी से ड्राइव किया गया था. ठीक है, सो ये काफ़ी सेंचुरीज पहले रोमन लॉयर और एसेस्टो सिसरो ने यूज़ करा था. ठीक है, सो वो कंटेम्प्रेरी थे जूलियस खीजर के, जिसका मतलब होता था कल्चर. ठीक है, सो ये जो सब्जेक्ट्स थे ये किसी रिलीजन से कनेक्ट नहीं होता था, या किसी रिलीजन से ना ही निकाला गया था. सो इसमें बेसिकली जो भी स्किल्स हैं उनके बारे में बेसिकली डिस्कशन किया जाता था, कुछ भी कल्चर से रिलेटेड इसमें नहीं था. ठीक है, सो लोगों की जो बेसिक स्किल्स है जो लोगों के पे होनी चाहिए और उन चीज़ों के बारे में जो बेसिक डिस्कशन और डिबेट की जाती थी. ठीक है, इस टाइम पे सो जो रिवोल्यूशनरी आइडियाज थे ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव थे, जिसकी वजह से अटेंशन लोगों का आया इस बेसिकली इन यूनिवर्सिटीज़. ठीक है, पर्टिकुलरली नई यूनिवर्सिटीज़ एस्टेब्लिश हुई. ठीक है, जब पेट्रैक थे उनके होम टाउन फ्लोरेंस में. ठीक है, 13th सेंचुरी के एंड आते आते देखो जो जगह है फ्लोरेंस, वो ना काफ़ी अच्छी जगह थी, बिकॉज वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ भी थी और टाउन भी था, मतलब अच्छी जगह थी. बट 13th सेंचुरी के एंड तक ना उसको एक मतलब ट्रेड का सेंटर नहीं बनाया गया, ना ही लर्निंग का बनाया गया. ठीक है, बट 15th सेंचुरी आने के बाद चीज़ें इतनी ड्रामेटिकली चेंज हुई कि सिटीज़ की ना सिटीज़ इतनी ज़्यादा फेमस हुई बिकॉज ऑफ देयर सिटीजन. ठीक है, अ सिटी इज़ नोन बाय इट्स ग्रेट सिटीजन. ठीक है,
यहाँ पे ये बोलने जा रहे जितनी सिटी की वेल्थ की वजह से सिटी फेमस थी उससे ज्यादा इट वॉज फेमस बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेट सिटीजन्स। कैसे सिटीजन्स है कंट्री में या किसी जगह में उसके वजह से जो पर्टिकुलर लोकेशन है पर्टिकुलर सिटी है वो फेमस होती है, ठीक है। सो जो फ्लोरेंस है वो इतनी ज़्यादा फेमस इसीलिए हो गई, उनका एक जो बेसिक रीज़न डैट वॉज डेंटे अलेग्री जो कि एक लेमैन थे जिन्होंने रिलीजियस थीम्स के बारे में लिखना शुरू करा, और गोइटो जो कि एक आर्टिस्ट थे जो कि लाइफ लाइक पोर्ट्रेट्स बनाए करते थे। लाइफ लाइक पोर्ट्रेट्स मतलब जो कि दिखने में रियल लाइफ जैसी दिखती थी, ठीक है। सो ऐसी पोर्ट्रेट्स जो उन्होंने बनानी शुरू करी, ओके। और वो ना इतनी मतलब जो दूसरे पुराने आर्टिस्ट किया करते थे ना उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी, ठीक है। सो दैट इज़ वाई कि ये चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है उस टाइम पे फेमस हुई थी, ठीक है। सो टर्म रिनेसेंस मैन, रिनेसेंस मैन, ठीक है। सो ये उन लोगों के लिए डिस्क्राइब किया जाता था जो लोग जिनों में काफ़ी सारे इंटरेस्ट और काफ़ी सारे स्किल्स हैं, ठीक है, जो कि मतलब काफ़ी वेल नोन है, ठीक है। और इनमें से ना काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब फेमस भी हो गए थे काफ़ी पार्ट में। सो यहाँ पे देखो हमारे पास एक फ़ोटो है जो कि गोइटो ने बनाई है जहाँ पे वो चाइल्ड जीजस को बना रहे हैं। सो यहाँ पे देखो ना ये फोटो कितनी ज़्यादा मतलब ये पेंटिंग कितनी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रही है देखने में। सो बट ये हैंड ड्रॉन है, राइट। सो जो गोइटो है वो जो है इतनी रियलिस्टिक और लाइफ लाइक पेंटिंग जो है वो किया करते थे, ठीक है। सो अब जो ह्यूमनिस्ट थे, ह्यूमनिस्ट क्या होते हैं हमने अभी डिस्कस कर लिया, राइट। सो जो ह्यूमनिस्ट थे उनका क्या व्यू था हिस्ट्री को लेके? देखो ह्यूमनिस्ट को ऐसा लगता था कि अगर ट्रू सिविलाइजेशन को रिस्टोर करना है डार्कनेस की सेंचुरीज के बाद, मतलब देखो उन्होंने ना एक टाइम को डार्क एज बोला, ठीक है, जब रोमन एम्पायर कोलैप्स हुआ, ठीक है। जब रोमन एम्पायर कोलैप्स हुआ तो उन्होंने बोला कि वो डार्क एज है, ठीक है। सो यही चीज़ फॉलो करते करते जो लेटेस्ट स्कॉलर्स थे ना उन्होंने अज्यूम कर लिया कि जो नई एज है ना वो शुरू हो गई है। उन्होंने कुछ ना क्वेश्चन निकाले आगे से ना उन्होंने कुछ डाउट बोला, बस उन्होंने ये बोला कि अब नई एज शुरू हो गई है यूरोप में, ठीक है, 14th century के बाद, ठीक है। जो टर्म थी मिडल एजेस यानी कि मेडाइवल पीरियड उसको मतलब रोम की जब रोम जो शासन था रोम का जब वो ख़त्म हो गया था जब वो गिर चुका था उसके बाद वाला टाइम वो था, ठीक है। सो मिडल एजेस में वो ऐसा बोलते हैं कि जो चर्च है उन्होंने अब लोगों के दिमाग के ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, मतलब वो ऐसी ऐसी चीज़ें बोला करती थी, ठीक है, जिसमें वो ग्रीक्स की लर्निंग भी दिया करते थे और जो रोमन्स है उनके बारे में, ठीक है। बट देखो अगर हम ये चीज़ जो ह्यूमैनिस्ट से उनको ये बोले कि जो लोग हैं उन्होंने एक पीरियड को डार्क एज बोला, बट उनका ना उनको लगा कि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ठीक नहीं है, राइट। देखो जो ह्यूमनिस्ट थे ना पहले उन्होंने मॉडर्न पीरियड किसको बोला, यहाँ पे देखो जो 5th से 14th century है वो मिडल एजेस था, ठीक है, ये 5th से 14th century का जो टाइम है उसको मिडल एज बोला गया, जिसमें 5th से 9th century का टाइम डार्क एज था, 9th से 11th century का टाइम वो अर्ली मिडल एजेस था, और 11th से 14th लेट मिडल एजेस, और 15th century से ये जो मॉडर्न एज है वो शुरू हो गए, ठीक है। सो यहाँ पे देखो जो 5th से 9th century का टाइम है ना उसको डार्क एज बोला गया। सो काफ़ी हिस्टोरियंस थे उन्होंने ना इस डिवीजन पे क्वेश्चन करा और बोला कि ये चीज़ ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है ये जो भी इन्होंने करा था, बिकॉज उनको बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगा कि वो किसी टाइम को किसी सेंचुरी को डार्क एज बोल रहे हैं। ये काफ़ी अनफेयर है बिकॉज हर एक सेंचुरी का अपना कहीं ना कहीं पॉजिटिव और अपना कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट होता है। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूँ, सो इंडिया में जब इंडिपेंडेंस हमें मिली विच वॉज इन 1947, सो उस टाइम पे जो हमारी टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड था वो काफ़ी ज़्यादा वीक था अगर हम आज से कंपेयर करें, राइट। सब हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि वो वाला टाइम डार्क एज है बिकॉज उस टाइम के भी अपने मतलब उसी टाइम से तो हमने डेवलपमेंट शुरू करा। अगर आज हम डेवलप्ड है तो इसका मतलब उस टाइम का भी एक मतलब पर्टिकुलर जो है वो एक पर्टिकुलर उसका भी कुछ मीनिंग है, राइट। सो डैट इज़ वाई जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने बोला कि किसी पीरियड को ऐसे डार्क एज बोलना इज नॉट गुड और डैट इज़ अनफेयर, ठीक है। सो साइंस और फिलोसफी एंड द अरब्स कॉन्ट्रीब्यूशन। सो देखो ग्रीक्स और रोमन्स की जो राइटिंग है ना वो जो मोंक्स और क्लर्जीमैन हुआ करते थे मिडल एजेस से उनसे काफ़ी ज़्यादा जो है वो मेल खाती थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है वो सेम हुआ करती थी। 14th century में काफ़ी स्कॉलर्स थे जिन्होंने ग्रीक राइटर्स की जो भी वो लिखते थे ग्रीक राइटर्स उनको ट्रांसलेट करना शुरू करा, प्लाटो और अरिस्टोटले जैसे, ठीक है। सो कुछ ऐसे यूरोपियन स्कॉलर्स थे जिन्होंने
ग्रीक पढ़ी और उसको मतलब अरबिक ट्रांसलेशन करा, ठीक है। कुछ ऐसे ग्रीक ट्रांसलेशंस थे अरबिक और पर्शियन स्कॉलर के जो कि आगे जाके यूरोपियंस ने भी पढ़े, ठीक है। सो बेसिकली ये जो वर्क हुआ करता था ना, जो ये ट्रांसलेट किया करते थे, ये ना कुछ बेसिक टॉपिक के ऊपर होता था, जैसे नेचुरल साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिंस एंड केमिस्ट्री, ठीक है। सो जो प्टोलेमेज थे उनके अल्केमिस्ट, जो कि एस्ट्रोनॉमी के ऊपर वर्क था, जो कि ग्रीक में लिखा गया था 140 CE से भी पहले, ठीक है। सो वो लेटर इसको अरेबिक में जो है वो ट्रांसलेट कर दिया गया था, ठीक है। सो जिसकी वजह से जो अरेबिक डेफिनेशन है, ठीक है, अरेबिक डेफिनेशन अल, उसकी वजह से लोग जो है ना, अरेबिक लोग वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कनेक्टेड फील करने लग गए थे, ठीक है। उनको लग रहा था कि हाँ जो चीज़ें हैं वो मतलब वो खुद उससे कनेक्ट करके उनसे पढ़ने लग गए थे, ठीक है। सो मुस्लिम राइटर्स ऐसे थे जिन्होंने मतलब इटालियन वर्ड जैसे इबन सीना जैसी चीज़ों को भी ट्रांसलेट करके उन्होंने पढ़ना शुरू करा, ठीक है। एक अरब फिजिशियन और फिलोसोफर थे जिनका नाम था बुखारा के, सेंट्रल एशिया के, ठीक है। और अल राजी जो कि मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया के ऑथर थे, इबन रुशद जो कि एक अरब फिलोसोफर थे स्पेन के, उन्होंने ये जो मतलब फिलोसोफिकल नॉलेज है, ठीक है, और जो रिलीजियस बिलीव है उनके बीच का जो टेंशन है वो हटाने की उन्होंने कोशिश करी थी, ठीक है। बट ये जो मेथड है ये सेम मेथड आगे जाके जो क्रिश्चियन थिंकर्स है उन्होंने भी यूज़ करा, ठीक है। सो जो ह्यूमैनिस्ट थे ना, वो अब लोगों को मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ा से जो है लोगों को अब उनके बारे में पता चल रहा था, बिकॉज़ अब वो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो मतलब अब जो ह्यूमैनिस्ट है, ये सब्जेक्ट हम बोल सकते हैं, ये अब लोगों ने भी मतलब हॉस्पिटल जो स्कूल्स हैं उधर भी मतलब सब्जेक्ट्स की तरह ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा दी गई, इटली, सिर्फ इटली में नहीं बट पूरी काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ में, ठीक है। आर्टिस्ट एंड रियलिज्म, देखो जो फॉर्मल एजुकेशन था ना वो मतलब उस टाइम पे जो ह्यूमैनिस्ट थे ना वो चाह रहे थे कि मतलब उस एज में कि लोगों के दिमाग में फॉर्मल एजुकेशन, मतलब देखो एजुकेशन ऑफ कोर्स ज़रूरी है बट फॉर्मल एजुकेशन जो है वो कभी भी इनफ नहीं होता है, राइट। एजुकेशन के साथ साथ हमें कुछ और चीज़ें भी है जो बच्चों के दिमाग में या फिर लोगों के दिमाग में उस टाइम होनी चाहिए। उनमें से बेसिक चीज़ें थी आर्ट, ठीक है, फिर आर्किटेक्चर, बुक्स, ये सारी ऐसी चीज़ें जो कि ह्यूमैनिस्ट आइडियाज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से जो आगे बोल सकते हैं वंडरफुली मतलब ट्रांसमिट कर सकती थी, ठीक है। सो जो आर्टिस्ट थे उन्होंने पुराना वर्क स्टडी करा, उन्होंने देखा चीज़ों को और उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग जो है मतलब स्टडी को पास्ट करा, सॉरी पास्ट का स्टडी करा, और काफ़ी ऐसे मतलब बहुत ही पुरानी पुरानी चीज़ें थी जिनसे वो मतलब उनको लगा कि हाँ उन्हें एंशियंट टेक्स्ट के साथ जो है वो काफ़ी नई चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। सो अब कुछ ऐसे वो मतलब जो प्रोपोर्शनल मेन और वुमेन स्कल्पचर थे काफ़ी सेंचुरीज पहले, वो भी मतलब इटालियन स्कल्पचर्स उस ट्रेडिशन में जो है वो कंटिन्यू मतलब होते हुआ करते थे, सो अभी भी उनको कंटिन्यू करा, ठीक है। सो 1416 में जो डोनाटेलो है उन्होंने एक लाइफ लाइक स्टैचूज का ना नया ग्राउंड बनाया, मतलब वो इतने अच्छे लाइफ लाइक स्टेचूज बनाते थे जो बिल्कुल ही ज्यादा रियली लगा करते थे उस टाइम पे, ठीक है। सो हम देखो यहाँ पे ना हमारे पास एक फोटो भी है जो कि एक एक स्टेचू है बेसिकली, बट देखो ये कितना ज्यादा लाइफ लाइक लग रहा है, कितना ज्यादा असली लग रहा है, राइट। सो जो आर्टिस्ट थे उनके कंसर्न बेसिकली उन चीज़ों पर था कि साइंटिस्ट के जो वर्क है ना उनको भी थोड़ा मतलब हेल्प मिले ताकि वो एक्यूरेट हो सके, ठीक है। और उसके साथ उन्होंने बोला कि हम साइंटिस्ट की मतलब मदद ले सकते हैं जो अगर हमें बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ें बनानी है, ठीक है। सो उस टाइम पे ना उन्होंने बोन स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना शुरू करा, जो आर्टिस्ट थे वो मेडिकल स्कूल के लैब्स में उन्होंने जाना शुरू करा और उन्होंने ना ह्यूमन बॉडी को पढ़ना शुरू करा कि वो कैसे स्टैचूज बनाए कि वो बिल्कुल ज़्यादा असली लगे, ठीक है। सो एंड्रास एंड्रास विसुलस जो कि बेल्जियन थे और एक प्रोफेसर थे मेडिसिन के, वो पदुआ की यूनिवर्सिटी में वो गए और उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वो ह्यूमन बॉडी को डायसेक्ट करा था, ठीक है, जो कि आगे जाके मॉडर्न साइकोलॉजी का पार्ट बनी थी। जो पेंटर्स थे ना, अब
मतलब वो ना उनके पास ना कोई पुराना ऐसा सोर्स नहीं था जिससे वो पढ़ सके। जैसे आज की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपको कोई भी पेंटिंग बनानी है, कोई भी स्टैचू बनाना है, तो आप इंटरनेट में जाके जो है वो सर्च कर सकते हो, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी। या फिर अगर आप पुरानी चीज़ों को स्टडी करोगे तो आपको पहले भी क्या क्या चीज़ें थी, कैसे कैसे स्टैचूज बनाया करते थे, वो आपके पास एक आइडिया आ सकता था। बट इधर ऐसा नहीं था, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ना जो पेंटिंग है वो भी बहुत ही मतलब मुश्किल से हमें देखने को मिल रही थी, ठीक है। सो उन्हें उन्हें ऐसा समझ आया कि ठीक है कोई बात नहीं, स्कल्पचर बनाना थोड़ा टफ हो सकता है बट पेंटिंग तो रियलिस्टिकली काफ़ी ज़्यादा मतलब इजीली है। सो उन्होंने ज्योमेट्री स्टडी करी, उन्होंने देखा कि कैसे, जैसे आपने देखा होगा ना कि जब भी कोई पेंटिंग करता, पेंटिंग या जब आप कोई पोर्ट्रेट बनाता है, सो अगर उसको फेस बनाना है तो वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स पहले बनाता है, फिर उसको मतलब फिगर आउट करके एक एक फेस की शेप देता है। वैसे आईज में डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, राइट, आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। सो वैसे ही उन्होंने भी जियोग्राफी स्टडी करी और उन्होंने भी उसी तरीके से जो चीज़ों को बनाना शुरू करा, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी में बन रहा था, ठीक है। फिर उनको लगा कि अगर हाँ वो लाइट की क्वालिटी चेंज करेंगे, मतलब जब हम शेडिंग करते हैं तो अगर हम शेड्स चेंज करेंगे तो भी चीज़ों को रियलिस्टिक या 3D दिखाने में काफ़ी ज़्यादा जो है वो मतलब हेल्प हो जाएगी, ठीक है। फिर उन्होंने ऑयल को भी यूज़ करना शुरू करा। आज जो ऑयल पेस्टल्स आते हैं वो उस टाइम पे जो है फर्स्ट टाइम ही बट उस टाइम जो है लोगों ने, उन लोगों को समझ आ गया था कि ऑयल से भी काफ़ी अच्छी जो है वो पेंटिंग की जा सकती है, ठीक है। जो कलर्स थे और जो डिज़ाइंस थे डिफरेंट पेंटिंग्स में, वो चाइनीज़ और पर्शियन आर्ट से काफ़ी ज़्यादा जो है बोल सकते हो कि इन्फ्लुएंस थी, बिकॉज उस टाइम पे जो मंगोल्स थे ना, वो मंगोल्स जो है चाइना से वो डायरेक्ट ट्रेड किया करते थे, और साथ साथ में जब ट्रेड होता है तो साथ साथ में लैंग्वेजेस, आर्ट, डिजीज, ये सारी चीज़ें भी साथ साथ में आती है। ये सारी चीज़ें जो हम पुरानी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सो ये जो इटालियन आर्ट थी ना, नई क्वालिटी की इटालियन आर्ट जिसमें चीज़ों को बहुत ही रियलिस्टिक और लाइफ लाइक दिखाया जाता था, इसको रियलिज्म बोला, ठीक है। और ये 19th century तक जो है वो कंटिन्यू चल रही थी। अब हम देखते हैं आर्किटेक्चर। देखो जो रोम की सिटी है ना, उसको रिवाइव किया जा रहा था एक बहुत ही स्पेक्टेकुलर वे से 15th century में, ठीक है। 1417 में जो पॉप्स थे ना, वो मतलब जो पहले काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल स्ट्रांग हुआ करते थे, बट अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गए थे, बिकॉज इलेक्शन हुए थे दो राइवल पॉप्स के, और वो ना आपस में ही लड़े जा रहे थे कि एक दूसरे को हराने के चक्कर में, कि आने वाले जो पॉप्स हैं उनकी बिल्कुल भी वेल्थ नहीं बची और वो बहुत ही ज़्यादा वीक हुए, ठीक है। इस और जो रोम थे ना, उन्होंने मतलब वो तो हार गए, बट जो आर्कियोलॉजी थी, आर्कियोलॉजी उस टाइम में नई स्किल थी, ठीक है। ये जो नई स्टाइल थी आर्किटेक्चर की, ये ना मतलब रोमन स्टाइल को जो है उस टाइम पे रिवाइवल था, और ईस्ट को ना क्लासिकल बोला जाता था, इसको क्लासिकल स्टाइल बोला जाता था, ठीक है। जो आर्टिस्ट थे और जो स्कल्पचर्स थे ना, वो बिल्डिंग्स को पेंटिंग से और स्कल्पचर से इतने अच्छे तरीके से डिज़ाइन करते थे, जिनमें रिलीफ भी इंक्लूडेड होता था, ठीक है। जैसे स्कल्पचर्स की बात करें तो हमारा इंडिया इज़ द बेस्ट लाइक एग्जांपल, बिकॉज अगर हम टेम्पल्स देखें तो टेम्पल्स का जो आर्किटेक्चर होता है ना, इतना सुंदर, उसमें मतलब आप एक दीवार में पूरी पूरी जो है स्टोरी सुना देते हो, स्टोरी 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 दिखा देते हो। आर्किटेक्चर इज मतलब आप कैसे ही अपनी दीवार को सजा रहे हो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से, राइट, दैट इज़ आर्किटेक्चर। दैट सेम वाज हियर। कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स थे ना जो कि जिनकी जो मतलब स्किल्स है ना, वो नेक्स्ट लेवल थी, ठीक है। मतलब देखो उस टाइम पे ना ऐसे नहीं जाना जाता था किसी भी आर्ट, किसी भी आर्टिस्ट को या किसी की आर्किटेक्चर को किसी पर्टिकुलर नाम से। जैसे आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो आपको काफ़ी पेंटर्स, काफ़ी आर्किटेक्चर्स का नाम जो है वो पता होगा, बट उस टाइम पे ना ऐसे इंडिविजुअल किसी को नहीं जाना जाता था। उस टाइम एग्जाम मतलब ऐसे हुआ करते थे ग्रुप में कि हाँ वो अच्छा कर लेते, वो अच्छा कर लेते, ऐसे कोई फेमस नहीं था, ठीक है। ऐसे जो ये जब इंडिविजुअल फेमस होने लगे, उसमें से जो सबसे इम्प्रेसिव एग्जाम्पल था वो था माइकल एंजियो बनारती होगा, ठीक है। बनारती। देखो इनका जो सीलिंग का डिज़ाइन हुआ करता था ना, जो ये सीलिंग का डिज़ाइन किया करते थे, उसको उस स्कल्पचर को तो पीता बोला जाता था। और पीता जो उनका डिज़ाइन है ना सेंट पीटर्स चर्च में, मतलब ऑल इन रोम, मतलब वो इतना प्यारा डिज़ाइन बनाया करते थे कि पूरे रोम में जो है उनका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा जो है वो फेमस हो गया था, ठीक है। वैसे ही फिलिपो ब्रनेल्लेस्की है, जो कि ऐसे मतलब जो भी डूम हुआ करते थे स्पेक्टेक्युलर, उनको डिज़ाइन किया करते थे फ्लोरेंस में, ठीक है। उन्होंने अपना करियर एज अ स्कल्पचर स्टार्ट करा था, और
उस टाइम पे जो बहुत ही रिमार्केबल चेंज वो एक ये भी है कि उस टाइम पे जो आर्टिस्ट है उनको इंडिविजुअली जाना जाने लग गया था उनके नाम से, या वैसे ग्रुप के थ्रू उनको नहीं जाना जाता था, ठीक है। द फर्स्ट प्रिंटेड ग्रुप प्रिंटेड बुक सॉरी, देखो हमारा मतलब जो दूसरी कंट्रीज के लोग थे ना वो पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स को देखने के लिए ना उनको ट्रैवल करके इटली आना पड़ता था। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आप कहीं भी रहते हो और अगर आपको इंडिया गेट देखने जाना है तो आपको उठ के दिल्ली तो जाना ही पड़ेगा ट्रैवल करने। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आप ऑनलाइन थोड़े से फोटोज़ देख लो, बट अगर आपको रियल में देखना है तो आपको उठ के जो है वो दिल्ली जाके ट्रैवल करना ही पड़ेगा, राइट। तो दिस इज़ समथिंग। बट अगर अगर हम बुक्स की बात करें, बिकॉज 16th सेंचुरी में एक जो बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन हुआ था वो ये हुआ था कि प्रिंटिंग इंट्रोड्यूस हो गई थी, ठीक है। सो जब मंगोल रूलर्स थे उन्होंने मतलब जब वो ट्रेड करते थे डिप्लोमेट्स और डिप्लोमेट्स करते थे तो वो ना काफ़ी फेमिलियर हो गए थे अपने मतलब कोर्ट्स वगैरह के साथ, ठीक है। सो अर्लियर ये जो टेक्स्ट थे ना ये काफ़ी मतलब जब प्रिंटिंग नहीं थी तो ये टेक्स्ट ऑफकोर्स आगे तो बढ़ा नहीं है, सो ना लोग इनको हाथों से लिखा करते थे, ठीक है। ये हमने ना पढ़ रखा था कौन सी क्लास में, पुरानी क्लासेस में 6th 7th 8th में, बट हमने पढ़ा हुआ ही नहीं, राइट। सो जब प्रिंटिंग बनी, ठीक है, सो जो मतलब जोहान्स गुटेनबर्ग की जो वर्कशॉप थी ना उधर 150 बाइबल की कॉपीज उस टाइम पे बनाई, और ना लोग ना मतलब ऐसे हो गए कि अगर हम मतलब कैलकुलेट करें तो जितना टाइम एक मॉन्क को एक बाइबल लिखने में लग जाता है उतने में तो हम 150 बाइबल बना सकते हैं, राइट। सो उस टाइम पे ये जब बुक्स है वे बहुत ज़्यादा वायरल मतलब फेमस हो गई थी, ठीक है। सो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई आर्किटेक्चर देखने एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाना पड़ता था, बट बुक्स में ऐसा नहीं है, राइट। अगर आपको कोई बुक पता है कि हाँ ये बुक मेरे को पढ़नी है, सो आप उसको अपने घर पे ऑनलाइन मंगवा सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, राइट, अपने घर पे ला सकते हो। सो वो इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि उसकी एक से ज़्यादा कॉपी है, राइट, मतलब ऐसी कॉपीज हैं कि जो आप तक आ सकती है, राइट। सो दैट वॉज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ प्रिंटिंग। सो 1500 आते आते काफ़ी क्लासिकल टेक्स्ट जो लेटिन में थे वो अब इटली में प्रिंट होने लगे, काफ़ी बुक्स जो है वो स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हो गई। सो अब जो पहले स्टूडेंट्स जो लेक्चर की नोट्स बनाया करते थे हाथ से लिख लिख के साथ साथ में, अब वो करने की ज़रूरत नहीं थी बिकॉज अब बुक्स जो है वो काफ़ी ईजीली अवेलेबल हो गई थी, ठीक है। सो अब कोई भी पर्सन है उसको कोई भी बुक खरीदी है तो वो उसकी कॉपी बाय कर सकता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, राइट। सो ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे अर्लियर इंटरेक्चुअल मूवमेंट शुरू हुआ था पर्टिकुलर रीजन में भी, ठीक है। अब ह्यूमन बींग्स का नया कॉन्सेप्ट देखो, जो ह्यूमनिस्ट कल्चर था ना उसका एक बहुत ही जो बेसिक फीचर था वो था कि ह्यूमन लाइफ में जो रिलीजन है वो कैसे कंट्रोल करता है। देखो जो इटालियन है ना वो काफ़ी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड थे मटीरियल वेल्थ में, पावर में और ग्लोरी में, बट ये ना इरिलीजियस माना जाता था, मतलब क्रिश्चियनिटी में ये चीज़ गलत मानी जाती है कि अगर आप ऐसे मतलब इसके वेल्थ के पीछे भाग रहे हो, पावर के पीछे भाग रहे हो, तो दैट इज़ कंसिडर्ड समथिंग वेरी इरिलीजियस, ठीक है। सो फ्रांसिस्को बराबरो जो कि एक ह्यूमनिस्ट थे वेनिस के, उन्होंने ना इसको बोला कि यार इसमें गलत क्या है, ठीक है। उन्होंने बोला कि तुम बताओ अगर कोई पर्सन कमाना चाह रहा है तो इसमें गलत क्या है, इसमें बिल्कुल भी मतलब ऐसी चीज़ क्या है कि तुमने उसको इरिलीजियस बोल दिया, राइट। प्लेजर में जो लोरेंजो वाला है उन्होंने भी बोला कि उन्होंने भी हिस्ट्री की स्टडी में वो बिलीव करते थे, इसमें उन्होंने बोला कि अगर मतलब एक बंदा तो एक आदमी तो ये तो चाहेगा ही चाहेगा ना कि वो परफेक्शन की लाइफ जी, वो तो ये तो चाहेगा ही चाहेगा कि उसके पास दो पैसे हो जाए मेरा ही। सो उन्होंने क्रिश्चियन का ये जो भी ये मानते थे इसको इन्होंने क्रिटिसाइज करा, ठीक है। सो ये ना गुड मैनर में हो रहा था सब कुछ। सो अब लोग जो है बहुत ही पोलाइटली जो है वो बातें कर रहे थे और करेक्टली ड्रेस कर रहे थे, ठीक है। सो जो ह्यूमनिज्म था वो मतलब हर एक पर्सन जो है अपनी लाइफ को शेप कर सकता था अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड अकॉर्डिंग टू देयर पावर एंड मनी, और ठीक है, और बिकॉज उनको और पावर चाहिए और मनी चाहिए सो वो चीज़ कर सकते हैं, राइट। सो उसमें गलत क्या है, ठीक है। सो यही चीज़ जो है यहाँ पे ये लोग बोल रहे थे। सो उसके बाद जो ह्यूमनिज्म है उसमें जिसकी वजह से बेसिकली हुआ क्या कि काफ़ी ऐसे लोग थे जो कि अब इन मतलब जो फ्यूडल सोसाइटी थी ना उस पर उन्होंने बिलीव करना बंद कर दिया, ठीक है।
अब वुमेन्स का कैसे एस्पिरेशन हुआ? सो अभी तक ना हमने जितना भी 11th क्लास का हिस्ट्री पढ़ा उसमें ना हमने वुमेन के बारे में अभी तक कुछ नहीं डिस्कस करा, बिकॉज वुमेन का रोल ना बहुत ही ज़्यादा जो है वो कम है हम बोल सकते हैं, या फिर वुमेन को कुछ करने ही नहीं दिया जाता था उस टाइम पर, हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, देखो जो भी नई आइडिया आए इंडिविजुअलिटी के या सिटीजनशिप के ना, उसमें वुमेन को एक्सक्लूडेड ही रखा गया। मैन जो एरिस्टोक्रेट फैमिली को बिलोंग किया करते थे वो बस डिसीजन मेकर होते थे फैमिली के, वो अपने बेटों को पढ़ाते थे, फिर आगे जाके जो है उनके बेटे चर्च में लग जाया करते थे। ठीक है, सो जो वुमेन्स है ना वो जब शादी करके आती थी ना वो अपने साथ डाउरी यानी कि दहेज भी लेकर के आती थी, जो कि आगे जाके ना उस मतलब उसके पति के बिजनेस में के लिए काम आता था। ठीक है, मतलब वो जो अपने घर से लेकर आती वो आगे जाके उसके ससुराल में काम आता था, उसके लिए वो कुछ भी नहीं बचता था। और ज़्यादातर लड़कियों को जो है वो मतलब आप बोल सकते हो कि धमकाया जाता था कि तुम और ज़्यादा डाउरी लेकर आओ वरना तुम लोग वरना तुम मेरे से डिवोर्स लेके कहीं जाके नन की तरह लाइफ जियो। ठीक है, सो वुमेन का जो रोल है वो ऑफकोर्स घर के अंदर ही जो है वो ख़त्म कर दिया गया था कि वो घर के बाहर नहीं आ सकती है। सो वुमेन की जो पोजीशन है ना वो कहीं कहीं जाके जो है वो अलग थी, जहाँ पे मर्चेंट्स हुआ करते थे वहाँ पर ऐसे क्या वहाँ पर ऐसे होता था कि जहाँ पे जिनके हस्बैंड नहीं हुआ करते थे वहाँ पे जो वाइफ्स है वो शॉपकीपिंग किया करती थी। ठीक है, सो ये बहुत ही लिमिटेड जगह पे ऐसा था कि शॉपकीपिंग जो है वो वाइफ्स किया करती थी जहाँ पे मर्चेंट्स वगैरह रहा करते थे। ठीक है, सो अगर जिनके हस्बैंड नहीं है या फिर जिनकी मतलब जिनकी डेथ हो जाती है जो घर पे नहीं है, सो वो वहाँ पे जो है वुमेन वहाँ पे काम कर लिया करती थी। ठीक है, काफ़ी ऐसे मतलब बहुत कम ऐसी वुमेन थी जो कि इंटेलेक्चुअली काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव थी। सो उनका भी इसमें कोई दोष नहीं है बिकॉज उनको कभी पढ़ाया नहीं गया, सो वो ऑफकोर्स उनके अंदर क्रिएटिविटी कैसी आएगी जब उन्होंने बाहर की दुनिया ही नहीं देखी है। राइट, सो जो कि ह्यूमैनिटीज एजुकेशन के लिए काफ़ी सेंसिटिव पार्ट था। सो जो वुमेन्स थी वो हर एक वुमेन एटलीस्ट इतना तो मतलब चाहती है, इतना तो वो ढूंढती है कि वो भी बस बेसिक स्टडीज़ कर सके। राइट, सो वुमेन को ऐसे मतलब इनकैपेबल हो गई थी वुमेन बिकॉज ऑफ मतलब इक्वालिटी नहीं थी बिल्कुल भी। ठीक है, जो फिडल है वो जाने जाते हैं बिकॉज ऑफ हर ग्रीक एंड लैटिन प्रोविंसी। ठीक है, सो उनको डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी इन्वाइट किया गया। ठीक है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ पदुआ। सो फिडल जो लिखा करती थी उसमें मतलब वो बेसिकली किस मतलब उस एज में एजुकेशन कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वुमेन के जो वुमेन राइटर्स हैं ठीक है वो ना इस रिपब्लिक को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करती थी जहाँ पे मैन का राज ज़्यादा है और वुमेन का कम है। ठीक है, एक और ऐसी रिमार्केबल वुमेन है जो कि जिनका नाम है मर्चेसा मंतुआ की। ठीक है, इसेवेला दी स्टेट, उन्होंने भी रूल करा स्टेट को अपने जब उनके हस्बैंड एबसेंट हुआ करते थे, और मंतुआ की कोर्ट को भी। ऐसे स्मॉल स्टेट से जो कि इन ब्रिलियंस की वजह से जो फेमस थे। ठीक है, सो जो वुमेन्स राइटिंग थी वो बेसिकली इकोनॉमिक पावर प्रॉपर्टी और एजुकेशन के लिए बात किया करती थी, जो कि वुमेन मैन जो मैन का डोमिनेशन है तो वो चाहती थी कि वुमेन को भी थोड़ा सा ये मिले। ठीक है, अब क्रिश्चियनिटी में कैसे कैसे डिबेट किए गए, देखो जब नया कल्चर आ रहा था उसको एडमायर कर रहे थे लोग। ठीक है, एजुकेशन भी आ रही थी और लोग जो है वो वेल्दी भी हो रहे थे। ठीक है, बट काफ़ी जगह पर जो मैन थे वो ऐसे थे कि जो लिख पढ़ अभी भी नहीं सकते थे। ठीक है, सो 15th और अर्ली 16th सेंचुरी में काफ़ी ऐसे स्कॉलर्स थे नॉर्थ यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ पे जो वो की ह्यूमनिस्ट आइडियाज़ पे काफ़ी ज़्यादा उनको अट्रैक्ट हुए और उनको अच्छा लगा। सो उनके जो इटालियन कॉलेजेस थे उन पे भी फोकस किया गया, क्लासिकल ग्रीक और रोमन टेक्स्ट पे, क्रिश्चियन की होली बुक्स के साथ साथ। बट इटली के जैसे इटली में हुआ था उसकी तरह नहीं, बट जो प्रोफेशनल स्कॉलर्स थे ना वो ह्यूमनिस्ट मूवमेंट से डोमिनेट हो गए। ठीक है, और नॉर्थ यूरोप जो है वो यहाँ पे ह्यूमनिज्म अट्रैक्ट मतलब काफ़ी चर्च के मेंबर को भी उन्होंने अट्रैक्ट करा। ठीक है, सो उन्होंने बोला कि देखो तुम ना अपने क्रिश्चियन प्रैक्टिसेस करो, उसमें कोई गलत नहीं है, बट जो प्रैक्टिसेस ऐसी ना जो तुम्हें लगता है कि अननेसेसरी उनको तुम मत करो, जो कॉमन चीज़ें हैं वो तुम करो। ठीक है, बट जो एक्स्ट्रा है उनको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। राइट, सो उन्होंने बोला कि ह्यूमन बीइंग बहुत ही ज़्यादा फ्री है, वो रेशनल एजेंट है, उसे जो करना है वो खुद से कर सकता है। ठीक है, जो फिलोसोफर है वो इसी पॉइंट में बार बार आया करते थे और जो है वो इंस्पायर होते थे उस मतलब एक डिस्टिंक्ट गॉड में वो बिलीव रखा करते थे। ठीक है, सो मतलब वो ऐसा बोलते थे कि सभी ने इक्वली बनाया है, मतलब भगवान ने सभी को इक्वली बनाया और जो जैसा चाहे वो वैसा रहना वो रह सकता है। ठीक है, सो पर्सन को अगर हैप्पीनेस चाहिए तो वो यहाँ भी और अभी भी जो है वो
मतलब ला सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो जो क्रिश्चियन ह्यूमैनिटीज ह्यूमैनिटिस्ट थे जैसे थॉमस मोर इंग्लैंड के और एरासमस हॉलैंड के, उन्होंने भी चर्च के उस इंस्टीट्यूशन को ऐसा बोला कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ग्रीड है, मतलब ये जो चर्च वाले लोग हैं ना ये इतना टैक्स क्यों ले रहे हैं। ठीक है, तो ये चर्च के लोग ऐसा बोलते थे ना कि जो अर्थ है हमारी प्यारी अर्थ की काफ़ी ज़्यादा भारी हो चुकी है बिकॉज ऑफ आर सिंस, मतलब इनका ये बोलना था कि यहाँ इस धरती में इतने पाप होते हैं जिसकी वजह से जो धरती है वो काफ़ी ज़्यादा भारी हो गई है। और उनकी ये मानना था कि उनका कि धरती ना इसलिए घूमती नहीं है, धरती के आसपास जो है वो चीज़ें घूमती रहती है, धरती नहीं घूमती, ये उनका मानना था। ठीक है, सो ऑफ कोर्स ये बात जो है फिर से लोगों ने इसके अगेंस्ट से रिबेल करा, काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने बोला कि यार ये तुम क्या कर रहे हो, मतलब कुछ भी जो तुम्हारे दिमाग में आए वो। सो जो डोनेशन है ना वो चलो वो लोग ले, बट क्लर्जी ये बोलते थे कि मतलब ना ऐसा लगता था कि वो ना जुडिशियल और फिजिकल पावर के लिए जो पैसे ले रहे हैं वो मतलब उसके लिए नहीं ले रहे हैं। ठीक है, वैसे एक यंग जर्मन मॉन्क थे जिनका नाम था मार्टिन लूथर, सो उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट, और उन्होंने आर्ग्यू करा कि पर्सन को प्रीस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, उसको भगवान के पास जाना है तो बस एक पर्सन को अंदर से फेथ होना चाहिए। ठीक है, सो इस मूवमेंट को द प्रोटेस्ट रिफॉर्मेशन बोला गया। ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी चर्चेज जर्मनी में और स्विट्जरलैंड में वो मतलब उनका कनेक्शन टूट गया पोप और कैथोलिक चर्च के बीच में। स्विट्जरलैंड में जो लूथर का आइडिया था वो ना काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया अल्रिक ज्विंगली की वजह से। ठीक है, और बाद में जीन कैलविन जैसे लोगों ने भी सेम चीज़ को आगे बढ़ाया। तो जो रिफॉर्मर्स थे उनका टाउन में काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपील हुआ करती थी। रूरल एरियाज में भी जो कैथोलिक चर्च है ना उनको भी मतलब उनका भी इन्फ्लुएंस जो है वो कम हो गया। ऐसे एक जर्मन रिफॉर्मर थे जिनका नाम था अनबप्टिस्ट, सो वो और ज़्यादा रेडिकल थे, वो मतलब सेल्वेशन का जो आइडिया है और जो सोशल ऑपरेशन है ये सब कुछ उन्होंने बंद करने के लिए जो वो था ना। ठीक है, सो अब इसकी वजह से जो पीजेंट्स है वो भी समझ गए और उन्होंने भी इसके अगेंस्ट उन्होंने जाना शुरू करा। सो अब पीजेंट्स ये बोल रहे थे कि देखो वो लोग जो है ना हमसे काफ़ी फीस ले रहे हैं, वो फीस उनको लेना नहीं चाहिए, जो टैक्स ले वो ले रहे हैं, उसके खिलाफ उन्होंने बात करी और इसी को जो है वो रेडिकलिज्म बोला गया। बट जो लूथर थे ना वो रेडिकलिज्म को सपोर्ट नहीं करते थे, उनका ये मानना था कि टैक्स जो है वो उनको दे देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है बट वो फ्री होने चाहिए। ठीक है, सो जर्मन रूलर्स बुलाए गए, पीजेंट्स के रेबुलेशन को दबा दिया गया। ठीक है, जो कि 1525 में हो गया था। इवेंचुअली फ्रांस में और यूरोप के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जो कैथोलिक चर्च है उन्होंने प्रोटेस्टेंट को अलाउ करा वर्शिप करने के लिए वो उनको जिनको वो चूज करना चाहते हैं। ठीक है, सो इंग्लैंड में जो रूलर है वो भी मतलब अभी कनेक्शन देख पा रहे थे पॉप के साथ। ठीक है, सो जो कैथोलिक चर्च थे वो खुद तो नहीं एस्केप हो सके इस आइडिया से। ठीक है, बट स्पेन और इटली में जो चर्चमैन थे उनको लगा कि हाँ ना सिंपल लाइफ जीनी चाहिए और जो गरीब हो गए उनको ना सर्विसेज प्रोवाइड करवा देनी चाहिए। स्पेन में इग्नेटियस लोयोला उन्होंने भी अटेम्प्ट करा इस प्रोटेस्टेंट्स को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। ठीक है, और उन्होंने एक सोसाइटी बनाई, सोसाइटी ऑफ जीजस। ठीक है, और जो भी उनको फॉलो करता था उन्होंने उसको जीसूस वो लोग बोलते थे। ठीक है, अब आते हैं कॉपरिकन रेवोल्यूशन। जो क्रिश्चियन नेशन है ना उसमें मैन को सिनर बोला जाता था। ठीक है, सो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला कि ये जो तुमने बनाया है कि ये हेवन है, ये मतलब हेल है, ये कहाँ है, ये कैसे काम करता है, इसका क्या क्या सिस्टम है। ठीक है, सो जो कॉपरनिकस थे उन्होंने बताया कि हमारी धरती ना घूमती है, सन सन के अराउंड वो लोग घूमती है। ठीक है, वो बहुत ही डिवोट क्रिश्चियन थे बट उन्होंने ना ये चीज़ बताई नहीं बाहर, उनको डर लगता था कि उनको बहुत ज़्यादा मारा जाएगा। सो जब वो मरने वाले थे तो उन्होंने अपने एक फॉलोअर को जिनका नाम था जोकिम रहितस, उन्होंने बोला कि अब तो मैं वैसे भी मरने वाला हूँ, अब तुम ना ये फैक्ट उनको बता देना। ठीक है, बाहर वाले लोगों को भी हेवन और अर्थ का उन्होंने बोला कि ये वाली चीज़ बताना। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बोला कि हेवन और अर्थ का जो डिफरेंस है ना वो जो उन्होंने केपलर जैसे एस्ट्रोनॉमर्स ने और ज़्यादा बाहर निकाला,
और गैलीलियो गैलीली जैसे लोगों ने, ठीक है। ये जो थ्योरी थी अर्थ की कि अर्थ की सन सेंटर्ड है, सन सेंटर्ड सिस्टम, ये एक और ज़्यादा पॉपुलर हो गया कीपलर्स की कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री की वजह से, ठीक है। जो गैलीलियो थे उन्होंने ये सेम चीज़ को और ज़्यादा कन्फर्म करा एक डायनेमिक वर्ल्ड में, ठीक है। और बाद में जो इसैक न्यूटन आया उन्होंने ग्रेविटेशन का जो है वो भी लॉ समझा दिया था, ठीक है। सो जो रीडिंग इन द यूनिवर्सिटी, जो गैलीलियो थे इन्होंने एक बार बोला कि बाइबल हेवन के रास्ते को ना लाइट करने की कोशिश की, मतलब लाइट करता है बाइबल, ये बोलता है, बट हेवन ना काम कैसे करता है, उन्होंने ये बोला, ठीक है। सो उन्होंने ऐसे बोला कि तुम ये बोलते हो कि ये करो तो तुम्हें हेवन मिलेगा, ये करोगे तो तुम हेल मिलेगा। सो उन्होंने बोला कि ये जो चीज़ें ना ये काम कैसे करती हैं ये तो बताओ। सो जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने इस अप्रोच को, नॉलेज को जो है साइंटिफिक रेवोल्यूशन के लिए उन्होंने पूछना शुरू करा। बाद में उन्होंने बोला कि ऐसा है, जो नॉन बिलीवर्स थे उन्होंने बोला कि गॉड ना नेचर ही है, ठीक है। नेचर ने क्रिएशन करी है सब चीज़ की, ऐसे कोई डिफरेंट गॉड नहीं है, ठीक है। सो ये जो भी चीज़ें हैं ये मतलब एक मटेरियल भी, जो मटेरियल वर्ल्ड है उसको, उसके लिविंग को रेगुलेट करने के लिए की है, ठीक है। तो जो पेरिस एकेडमी है वो एस्टेब्लिश हुई 1670s में, और जो रॉयल सोसाइटी है लंदन की, ये सारी चीज़ें जो है इन्हीं बारे की, इन्हीं चीज़ों को जो है वो हाईलाइट किया करती थी, ठीक है। अब जो यूरोपियन रिनेसेंस थी वो 14th century में सच में हुई भी थी। देखो जो रिनेसेंस का कॉन्सेप्ट है ना, वो अब तो हमने वैसे देख लिया कि रिनेसेंस क्या होता है। जैसे रिसेंट राइटर्स हैं जैसे पीटर बर्क इंग्लैंड के, उन्होंने सजेस्ट करा कि जो बकालत है वो ना एग्रीगेट शार्प डिफरेंस होता है उनका बिटवीन द पीरियड्स, ठीक है। सो उन्होंने बोला कि जो ग्रीक्स है और जो रोमन सिविलाइजेशन है वो ना रिबॉर्न हो रही है इस टाइम पे, ठीक है। सो जो स्कॉलर्स है, जो आर्टिस्ट है इस पीरियड के, वो प्री क्रिश्चियन वर्ल्ड में रह रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी क्रिश्चियन को फॉलो करते हैं, कुछ लोग हैं जो कि अभी भी इनके खिलाफ जा चुके हैं, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट में जो रिनेसेंस है उसको डायनामिज्म का एक पीरियड भी बोला गया, ठीक है। और आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी का पीरियड भी बोला गया। सो मिडिल एजेस में जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ग्लूम हो रही थी, तो उस टाइम पे भी काफ़ी लोगों ने बोला कि ये जो इटली के रिनेसेंस से मतलब एसोसिएट हो रहा है कि इटली में जो चीज़ें जो रिवाइव हो रही हैं, ठीक है। रोम और ग्रीक में सिविलाइजेशन हो गया क्लासिकल सिविलाइजेशन, ठीक है। बट अभी भी एशिया में जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा मतलब आगे नहीं बढ़ी थी जितनी ग्रीक्स और रोमन्स को मतलब आती होगी, ठीक है। इस्लाम का एक्सपेंशन हो रहा था, जो मंगोल के कॉन्क्वेस्ट से वो हो रहे थे एशिया और नॉर्दर्न अफ्रीका जो है वो यूरोप से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो गया था, पॉलिटिकली नहीं पर ट्रेड और लर्निंग की सेंस में, ठीक है। ये जो डेट्स थे, जो यूरोप थे ना वो सिर्फ ग्रीक्स और रोमन से नहीं सीख रहे थे, वो इंडिया, अरेबिया, ईरान, सेंट्रल एशिया और चाइना जैसी जगहों से भी चीज़ें सीख रहे थे। ये जो डेट्स थे ये एक्नॉलेज हुए लंबे समय तक, बिकॉज हिस्ट्री का जो पीरियड है ना वो अब लिखना शुरू हो गया था। सो हिस्टोरियन ने देखा कि जो यूरोप सेंटर्ड है, ठीक है, मतलब यूरोप जो है वो सेंटर्ड व्यू पॉइंट है, ठीक है। अब ग्रेजुअली प्राइवेट और पब्लिक स्फेयर्स में भी जो है वो डिफरेंस होना शुरू हो गया, ठीक है। सो पब्लिक स्फेयर्स में वो पूरा एरिया आता था गवर्नमेंट का, फॉर्मल रिलीजन का, और प्राइवेट में जो है वो फैमिली और पर्सनल रिलीजन आने लग गया था, ठीक है। सो इंडिविजुअल का प्राइवेट और पब्लिक दोनों में रूल हुआ करता था, राइट। सो वो एक इन थ्री ऑर्डर्स में से मतलब किसी का मेंबर नहीं हुआ करता था, ठीक है। सो जो आर्टिस्ट थे वो अब और ज़्यादा फेमस हो गए, अब लोग अपने अपने नाम से जो वो लोग जाने लग गए थे 18th century में। जो इंडिविजुअल का सेंस है ना वो और ज़्यादा एक्सप्रेस हुआ पॉलिटिकल फॉर्म में, और लोगों ने इन सारे इंडिविजुअल और इक्वल पॉलिटिकल राइट्स पे भी बिलीव करना शुरू कर दिया था, ठीक है। सो अब जो सेंस ऑफ आइडेंटिटी है लोगों के बीच में वो लैंग्वेज के बेस पे भी बढ़ गई, ठीक है। जो यूरोप है वो अर्लियर एक यूनाइटेड पार्टी हुआ करती थी रोमन एम्पायर के अंडर, बाद में लैटिन और क्रिश्चियनिटी के अंडर, बट अब जो है ये स्टेट्स में डिजॉल्व हो चुकी है और ये एक कॉमन लैंग्वेज से अभी भी यूनाइटेड है, ओके। सो यस, डैट वॉज इट फॉर द वीडियो एंड द चैप्टर एज वेल। आई होप यू लाइक इट। सो यस, थैंक यू वेरी मच।